क्या क्या बोलिए फरी बता दो दीजिए। बोलिए बोलिए, रुक आएगी खाने में क्या कहिए कहिए। हाँ खाने में कुछ ऐसा मिला दिया होगा तो। हाँ सही कह रहे हो, हमने खाने में जमाल गोटा मिला दिया बहुत सारा। हाँ पर आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आपका खाना तो बिल्लू खा गया ना, तो जो भी परमाणु है वो बिल्लू के पेट में फटेंगे। ठीक है आप बताइए। जमाल गोटा सच सच जमाल गोटा। हाँ चीते कुछ खबर वंदना के केस में पता चला कायल को नौकरी से निकलने। हाँ मैडम पता किया ना, पता चला कि पिछला एक साल में बहुत भारी भारी बहुत महंगा महंगा 3 कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से गया है। कंपनी के आला अधिकारी लोग का जो हमें लगता है हमें उस कंपनी के सीईओ से सीईओ से जाके बात करना पड़ेगा और मैडम सर को बताना। हाँ वो जैसे कि खाना आया प्लॉटिंग तो कोई थी नहीं ऐसे दिमाग में, बस वो बात यहाँ से निकली कि माँ ने अपने काम वाली बॉय को काम से निकाल दिया है, तो खाना किसने बनाया फिर, तो खाना तो बहू ने बनाया, तो वहाँ से जो ट्रिगर हुआ है वो सीन जो आखिर में उसने दम तोड़ा है खाना खा के जमाल गोटा पचा के, तो बहुत ही प्यारा सीन था। मतलब हमने रीड करते हुए भी उतना नहीं सोचा था कि इतना हिलेरियस होगा, लेकिन जैसे सेट पे गए मोमेंट कुछ हुई तो बहुत ही मज़ा आया सीन करने में। मैंने अगर बात की जाए तो मोस्टली शोज जो होते हैं रोने धोने वाले, फर्स्ट एक शो है जिसमें ज़्यादा और हम हमेशा देखते हैं कॉमेडी सीन ही होता है। वेल आप कितना इन्जॉय करते हैं और कह सकते हैं कि ईजी होता है या यू नो देखने में सीन ईजी लगता है पर वो ज़्यादा कॉमेडी सीन करना डिफिकल्ट हो जाता है? कॉमेडी सीन में क्या होता है वो टाइमिंग करेक्ट आना, पंच करेक्ट फूटना जगह पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो टाइमिंग मिस हो गया तो कितना भी आप अच्छे से बोल लो या अच्छे से उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन ला लो डाल दो, लेकिन वो जब तक उसका टाइमिंग करेक्ट नहीं आता ना वो किसी काम का नहीं है। तो अभी हम अभी तीसरे साल में हैं शो के, तो वो थोड़ा सा अभी आ ही गया है टाइमिंग और करते करते आ ही जाता है। तो पुष्पा जी का, चीता का, मेरा मतलब क्या कोई बोलने वाला, स्पॉन्टेनिटी भी कुछ कोई आ जाता है तो उसको लेकर अपने स्क्रिप्ट पर रहना और अपने स्क्रिप्ट का करेक्ट डायलॉग उसी मोमेंट पे उसी टाइमिंग पर डालना, अभी वो आ गया है इसीलिए मज़ेदार रहता है। और अगर नहीं भी आता है तो हम एक थोड़ा सा पीछे लेकर रिहर्सल भी होती है, ऐसा नहीं है कोई कोई एक वनगोमी हो जाता है। बहुत बार किया है, मैं तो अभी भी ऐसा करता हूँ ना, कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है वही लेकर हम मेहमानों के पास जाते हैं और उनको देते हैं, और जैसे ही चाय पान का आता है तो चाय पान में वही अपनी जो चीज़ दी हुई है वही प्लेट में सर्व होती है अपने लिए, क्योंकि अचानक से हम जाते हैं तो अचानक में उनके पास होता नहीं है, तो वही जो हमने लाया वही हमारे प्लेट में आता है। तो वो ट्रिक मैं हमेशा आजमाता हूँ क्योंकि मुझे वो जिग जैम बिस्कुट बहुत पसंद है जैम वाले, तो मैं वही लेके जाता हूँ और वही मुझे सर्व होता है। ट्रेजेडी वाला भी सीन है जहाँ कुछ केस को लेके माहौल गर्म नज़र आ रहा है, वो क्या ऐसा सीन है? वो एक्चुअली एक ऐसा केस है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए 15 साल से नौकरी करने वाली एक वंदना करके कर्मचारी है उसको निकाल दिया जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तो वो कहती है कि निकाला जा रहा है ठीक है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, लेकिन जो मैंने डेडिकेटली यहाँ काम किया है, इतनी ऑनेस्टी दिखाई है और जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उससे ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि ये वो ना करें और उसी इंसाफ मांगने के लिए वो थाने में आई हैं। थैंक यू सो मच। जान से नहीं लेकिन चूहे की दवा डाली होगी या कोई और दवा डाली होगी जिससे माँ की आंख की रोशनी चली जाएगी या दाश चली जाएगी, माँ की आवाज चली जाएगी, ऐसा भी हो सकता है ना। डर खाने तक देखा ये बेटा है ना, आप पर कोई आंच नहीं आने देगा जब तक आपका बेटा जिंदा है। माँ
ये खाना मैं टेस्ट करूंगा, सेफ रहा फिर आप खाना। एक मिनट माँ, माँ एक मिनट वाले ना 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 वो बोल देखने से रेडी हो बने कैसे खाया चार कुछ हुआ नहीं हुआ देखा आपने देखा वापस देखा भूल करके आपको पर कर दिया माँ एक निवाले से नहीं समझ में आता है मैं थोड़ा सा और खा लूँ हाँ हाँ आओ बैठो 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 आओ बेटा सॉरी रेडी सर